अब डबल एम रिब्स के साथ गैरेंट एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बजट को पूरे देश की जनता के लिए एक समावेशी विकास की ओर ले जाने वाला बजट बताया है। पीयूष गोयल ने कहा कि इस बजट पर किसी भी तरीके की राजनीति करना विपक्ष के लिए ना समझी की सियासत होगी। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि ये जो बजट है ये आने वाले 2047 जो है वो उसका तरफ दिखाता है कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। पीयूष गोयल से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। लोकसभा के गठन के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में आई एनडीए सरकार का पहला बजट आ चुका है और इस बजट को लेकर कहा जा रहा है कि ये रोजगार उन्मुखी है, महिला सशक्तिकरण और कृषि के लिए एक ऐसा कदम है जो आने वाले समय में भारत को आर्थिक शक्ति बना सकता है। हमारे साथ उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। सर, आपने अपने मंत्रालय से संबंधित जो जो उम्मीदें की थी क्या वो बजट में हैं? आप संतुष्ट हैं? पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। बहुत ही लाजवाब बजट है, कल्पनात्मक बजट है, नए भारत को सशक्त बनाने वाला बजट है। सर, इस बजट में कुछ आपके मंत्रालय से संबंधित ऐसे फैसले हैं जो काफ़ी सराहे जा रहे हैं, खासतौर से एंजल टैक्स को हटाना या आपका अगर हम ई कॉमर्स में अगर हम बात करें स्टार्टअप्स को लेकर उसके लिए कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी पहल होगी। कई सारे विषय हैं जो हमारे विभाग से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए आपने सही फरमाया कि एंजल टैक्स हटना, जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, आज भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का इकोसिस्टम है। हमारे लाखों युवा युवती इस काम में लगे हैं। आज लोग नौकरी के पीछे नहीं भागते हैं पर नए नए आइडियाज़ के साथ, नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ खुद के पाँव पे खड़े होना चाहते हैं और उसके माध्यम से भी लाखों लोगों को नौकरी मिलती है। तो उसको और बल देने के लिए इस बजट में बहुत संभावनाएँ अवश्य मिलती हैं और शुरुआत होती है एंजल टैक्स हटाने से, जिससे निवेश स्टार्टअप में अधिक सरल हो जाएगा। लगभग 1,52,000 करोड़ सिर्फ कृषि क्षेत्र के लिए इस बजट में प्रावधान रखा गया है, जिसका मुझे लगता है कि कृषि उत्पादन का निर्यात स्वास्थ्य का है कुछ को प्रोत्साहन देने में एक अच्छा लाभ मिलेगा। बजट ने काफ़ी रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए, कौशल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से 5 योजनाओं के कल्पना रखी है। लगभग 4,10,00,000 लोगों को नौकरी या रोजगार उत्पादन हो, ऐसा इस बजट का लक्ष्य है। 12 नए एक साथ प्लग एंड प्ले, जिसमें आप जाओ और आपको सब सुविधाएं एक जगह पर मिल जाएं, ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क्स की घोषणा इस बजट में की गई है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश उन्मुखी बजट दिया है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? मुझे लगता है कि बहुत ही बेबुनियाद प्रतिक्रिया कर रही है विपक्ष। ये बजट समाज के हर वर्ग और देश के हर कोने को प्रभावित करने वाला बजट है। तो हमने बात की उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी से, उन्होंने कहा कि ये बजट सभी के लिए कल्याणकारी है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और बेहद ख़ास मेहमानों का विशिष्ट पैनल इस वक्त हमारे साथ चर्चा और मंथन के लिए जुड़ा हुआ है। एक बार उनसे आपका तारुफ कराएं। ज्योति विज महानिदेशक फिक्की हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर हर्ष महाजन अध्यक्ष स्वास्थ्य समिति फिक्की और राजीव डिमरी साहब से अध्यक्ष कराधान समिति फिक्की से जुड़े हुए हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। सबसे पहला सवाल अगर हम देखें तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उद्योग जगत की, उस उद्योग जगत ने किस तरह से सलामी दी है अगर हम इस बजट को देखें, खास तौर पर जब हम PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं। ज्योति जी, निजी निवेश को कितनी बढ़ोतरी मिलती हुई नज़र आएगी, खास तौर पर जिस तरह से एंजल टैक्स को ख़त्म किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा निजी निवेश यहाँ है, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने का एक नरेटिव इस बजट में नज़र आता है? पहली बात तो ये कि कंटिन्यूटी है इस बजट में, जितने भी कार्यक्रम पहले शुरू हो रहे थे उससे कंटिन्यूटी है, प्लस एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग और इन्वेस्टमेंट पे काफी जोर है। तो
तो आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर कैसे आएगा, क्योंकि केपेक्स की जो इंक्रीज कर रहे थे वो जो केपेक्स में इन्वेस्टमेंट है उसको गवर्नमेंट ने वो वाली उस थीम को अभी यू नो लगातार चल रही है वो, उससे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को काफ़ी फायदा होगा बिकॉज उससे पुश मिलता है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को. ऑलरेडी ग्रीन शूट्स अवेलेबल, अभी ग्रीन शूट्स हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की. गवर्नमेंट का खुद का डेटा दिखाता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अब ऊपर जा रही है. हमारी सर्वेज ने बताया है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम से कम 75% के आसपास है, जिसके बाद कंपनीज अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आगे दिखाती हैं. एमएसएमई सेक्टर को जो स्ट्रेंथ दी है इस बजट ने, उससे एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी फायदा होगा. उनकी फाइनेंसिंग एंड मार्केटिंग नीड्स को काफ़ी हद तक ध्यान में रखा गया है. कैपेसिटी बिल्डिंग की जो बात करी है उन्होंने सस्टेनेबिलिटी में फॉर एमएसएमई, वो एक और एरिया है जिससे उनको और स्ट्रेंथ मिलेगी एमएसएमईज को, और वो ग्लोबल वैल्यू चेन में भी जा सकते हैं एक बार वो एक लेवल तक पहुंच गए. तो इन सब चीज़ों से जो है पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट एक पुश देता है प्राइवेट सेक्टर को. प्लस कंजम्पशन को अगर देखें तो जो मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स में जो बरकत दी गई है उससे भी थोड़ा डिमांड स्टिमुलस मिलेगा. तो कुछ एक ऐसी जो चीज़ें हैं उससे प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा. एम्प्लॉयमेंट का खासकर काफ़ी प्रोविजन्स दिए गए हैं इसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट में, स्किलिंग में, इंटर्नशिप में. सो वो सब आस्पेक्ट्स को देखते हुए एम्प्लॉयमेंट में भी पुश मिलेगा. सो ये सब मिलाकर जो है प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो ऊपर आने की पूरी जी. हमारे साथ राजीव डिमरी साहब भी हैं. राजीव डिमरी साहब, जो पूरा बजट है वैसे सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, लेकिन खासकर युवाओं का बहुत इसके अंदर जिक्र है, कई योजनाएं, और खासकर पीएम इंटर्नशिप योजना जो है उसे लेकर आप क्या कहेंगे? कहूंगा कि बजट हैज ओनली रिस्पॉन्डेड कि जो इकोनॉमिक सर्वे में आया है कि साहब कम से कम 80 लाख जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए, हमारे हर साल इतने युवा जो है वो जुड़ते हैं नौकरी के ढूंढ में, और उनको अगर नहीं मिलेगी तो दैट विल क्रिएट एन अनरेस्ट. सो जो ये स्कीम्स कई तरह के प्रोविजंस करे, इंटर्नशिप करी है, स्किलिंग करी है, मेरे हिसाब से आज के जमाने में भी नई कंपनीज और बहुत क्लाइंट्स को मैं जानता हूँ जो अच्छे लोग ढूंढते हैं, उनके पास रिक्वायरमेंट होती है लेकिन उनको स्किल्ड लेबर नहीं मिलती है, और हर कंपनी नहीं अफोर्ड कर पाती है कि पहले हायर करो और 3-4 महीने लोगों को सिखाओ. एंड देयरफॉर एक गैप है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट है व्यवसाय जगत की वो मैचिंग नहीं हो रही है. इस ये स्किल गैप आज पहली बार ही नहीं आइडेंटिफाई कराया गया है. स्किल इंडिया मूवमेंट तो काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन इस वक्त जो बजट में प्रोविजंस करे हैं वो काफी अच्छे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ेगा. चाहे वो इंटर्नशिप प्रोग्राम करे या एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है कि पहले महीने की तनख्वाह की वापस मिलेगी, तो काफी फर्क आना चाहिए इन चीजों से. बहुत इंकरेजमेंट है और मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर भी इस चीज को बड़े गौर से देखेगा और वो भी अपनी तरफ से पहल करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है. हर्षी, जब हम इस बजट को देखते हैं तो अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की जाए तो समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया. साफ तौर पर हमने देखा कि कैंसर की 3 दवाओं के लिए जो शुल्क है उसे, सीमा शुल्क है उसे हटाया गया. कितना बड़ा इस कदम को मानते हैं आप स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है कैंसर? देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ा कदम है, और जैसे ज्योति जी ने कहा ये कंटिन्यूटी है. पहले भी कुछ दवाइयाँ थी जो एग्जेम्प्ट कर दी गई थी कस्टम ड्यूटी से, ये 3 और दवाइयाँ हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है, और बहुत महंगी दवाइयाँ हैं, मतलब ये लाखों में इनकी कीमत है, और इस पे जब कस्टम ड्यूटी लगती थी तो कीमत बहुत बढ़ जाती थी और आउट ऑफ रीच हो जाती थी आम जनता के लिए. इसका बहुत एक अहम असर होने वाला है ट्रीटमेंट के चलते कैंसर के. दूसरी बात रही, इन्होंने जो किया कि एक्सरे इक्विपमेंट जो है वो अब भी हमारे देश में बहुत कम बनता है. एक्सरे इक्विपमेंट के लिए, वो भी जो लेटेस्ट टाइप का डिजिटल एक्सरे है, उसके लिए भी जो कंपोनेंट्स हैं, एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट और फ्लैट पैनल डिटेक्टर होते हैं उसके जो कंपोनेंट हैं, उनको भी छूट दी है कस्टम ड्यूटी से. तो इससे भी एक बहुत आप समझिए फिलिप मिलेगा इस इंडस्ट्री को. कई एसएमईज नई बनेंगी, कई फैक्ट्रियां नई लगेंगी, और जो ऑलरेडी लगी हुई हैं
उनको उनमें एक बल आएगा, एक शक्ति आएगी, एक ऊर्जा आएगी कि जी. इसको हम और बढ़ाएं, और ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है. जी. हम जानते हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स या आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1,60,000 हमारे देश में बनने हैं. हर एक में एक्सरे लगना है, इक्विपमेंट, और वो अगर हमारे देश में ही बन जाएं तो हम ये कुछ ही सालों में ये डिमांड को हम सप्लाई कर सकेंगे. नहीं तो हमें बाहर के देशों की तरफ देखना पड़ेगा. ये भी एक और बहुत बिल्कुल है, और इस चीज और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए जो डिवाइसेस का सेक्टर था, मेडिकल डिवाइसेस का सेक्टर, उसकी बहुत बड़ी मांग थी, जैसे कि एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल और डिटेक्टर्स है, उस पर सीमा शुल्क जो है उसमें बदलाव किया गया है. ये अपने आप में आत्मनिर्भर बनाता हुआ बहुत अहम कदम है जब हम स्वास्थ्य के इस क्षेत्र की बात करते हैं, जिसके बजट में 12% का इजाफा हुआ है. वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर भी करेंगे चर्चा की जो तमाम केंद्र बिंदु बहुत अहम रहे और प्रभावित करते हैं आम आदमी को. बजट 2024 की इस खास पेशकश में बने रहिए डीडी न्यूज के साथ. लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद. MDH कश्मीरी. MDH. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है. गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी. अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं आज 2024-25 बजट की, और इस बजट से क्या निकला है, कितनी सौगातें हैं, क्या इसका असर पड़ेगा, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का खास पैनल है. ज्योति जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि खेती किसानी को लेकर बहुत बजट से पहले चर्चा हो रही थी, इस बार 1,52,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो करीब करीब 21.6% पिछले साल की तुलना से ज़्यादा है. क्या यह पर्याप्त है, या इसमें आपको लगता है कि इससे जो सुधार होंगे वो सुधार किस तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं आपको? So, जो फोकस रहा है, आई थिंक बड़े फोकस्ड एरियाज उठाए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज एग्रीकल्चर में उन्होंने बात करी है. एक तो क्लाइमेट रेजिलियंस सीड वैरायटीज की बात की है, जिसकी वजह से फार्मर की इनकम जो है वो काफी थ्रेट के अंदर रही है. हमने देखा है कि फूड इन्फ्लेशन भी हो रहा है, वो भी बिकॉज देर आर क्लाइमेट चेंजेस, तो उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन एक बहुत मतलब काफी जो है वो इन्फ्लेशन में इस समय मैक्सिमम परसेंटेज उसी का आ रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है काफी आई मीन इट्स बिकम वेरी वेरी स्टिकी. सो वहाँ पे देन वेजिटेबल्स इन पर्टिकुलर जहाँ पे इश्यूज हैं, वेजिटेबल के ऊपर उन्होंने स्कीम की बात करी है, देन ऑयल सीड्स की बात करी है, पल्सेस की बात करी है जहाँ पे आत्मनिर्भरता चाहिए, जहाँ पे हम इम्पोर्ट्स कर रहे हैं. देन सर्वे ने भी बात करी कल कि हमें एक्सपोर्ट्स को एकदम हमें अचानक ऐसे मेजर्स नहीं लेने चाहिए जिससे हम विड्रॉ कर दें एकदम, या हम लास्ट मिनट पे हम चेंजेस ले आए ताकि कंटिन्यूटी रहे. सो ये जो बड़े फोकस्ड एरियाज हैं, इनमें अगर हम ध्यान देंगे और इनमें अगर हम मेजर्स लेके आएंगे जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं इस बजट में, तो उससे फार्मर इनकम और फूड इन्फ्लेशन, ये जो दोनों हमारी जो इश्यूज हैं विच कैन हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इससे बहुत फायदा होगा. बिल्कुल. तो क्लाइमेट रेजिलिएंट किस तरह, जी बिल्कुल, क्लाइमेट रेजिलिएंट किस तरह से खेती बाड़ी की जाएगी, DPI को कैसे इसमें इंक्लूड किया जाएगा, उसका सारा प्रावधान इस बजट में है. डिमरी साहब, आप खास तौर पर क्योंकि यहाँ एंजल टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, स्टार्टअप्स के लिए कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम आप इसको मानते हैं, क्योंकि लगातार नवोन्मेष की जब हम बात करते हैं, इनोवेशन को लगातार भारत में इसकी जननी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा यूथ पावर है, उस लिहाज से एंजल टैक्स का खत्म होना स्टार्टअप्स के लिए किस तरह से जीवनदान है? बहुत बड़ी डिमांड थी उनकी, कई सालों से ये डिमांड थी. ये किसी जमाने में टैक्स जब लगाया गया था तो कुछ अब्यूजिव यू नो एंटी अब्यूज के तरीके से लगाया गया था. कुछ लोग जो गलत तरीके से पैसा कंपनियों में इकट्ठा कर रहे थे, जिस कंपनी में कोई सब्सटेंस नहीं था, उसको टैकल करने के लिए टैक्स लगाया गया था. लेकिन जो उसकी एप्लीकेबिलिटी हुई वो जेन्युइन ट्रांजैक्शंस को इम्पैक्ट करने लगी, और ये स्टार्टअप में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी इस चीज को लेके. और ये पिछले 3-4 साल से स्टार्टअप जो कम्युनिटी है वो सरकार से विनती कर रही है, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी, एक तरह से ये बड़ा, अगर मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करूँ तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो एक बहुत ही जेन्युइन ट्रांजैक्शंस को ये इंपैक्ट कर रहे थे. मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है स्टार्टअप कम्युनिटी की, एंड आई एम श्योर वो बहुत इसको उसका वो करेंगे, वेलकम करेंगे, और उनसे काफी खुशी होगी उनको.
हर्ष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब बजट आता है तो राजनीति भी होती है, और खासकर जो बिहार और आंध्र के लिए जो पैकेजेस हैं उसको लेकर बहुत बातें की गई, बहुत राजनीति की गई, लेकिन ये भी फैक्ट है कि जब तक अगर बिहार का विकास नहीं होगा तो देश के विकास को भी वो प्रभावित करेगा। इसलिए देश के विकास के लिए पिछड़े राज्यों का विकास होना भी बहुत जरूरी है। इस नजरिए से जो हम फंड देख रहे हैं, जो बिहार को दिया गया या आंध्र को दिया गया, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे हर्ष जी? देखिए, ये भी हमारे देश के हिस्से हैं जी, ये नहीं है कि ये कहीं हमने बाहर दे दिया पैसा। और जहां पे उन्नति की जरूरत है वहां अगर एक फोकस तरीके से इसको दिया गया है, जिसके लिए कि वहाँ के जो यूथ है, वहाँ के जो वर्कर हैं उनको फायदा हो, समाज के हर वर्ग को फायदा हो, वहाँ टूरिज्म बढ़े, वहाँ कनेक्टिविटी बढ़े। और जहाँ तक आंध्रा की बात रही, वहाँ तो उनका नया कैपिटल बनना है। बिल्कुल, विभाजन के बाद उनका काफी नुकसान हुआ, उनकी आय रुक गई है आंध्रा की। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि सारा डेवलपमेंट जो हुआ वो तेलंगाना में रह गया। तो यहाँ इस डेवलपमेंट को करने की जरूरत है। और आप देखें तो बिहार में हेल्थ केयर का सेक्टर भी जो है वो पिछड़ा हुआ है, और ये जो नई स्कीम्स आई हैं जो कि सारे देश के लिए हैं, वो बिहार और आंध्रा में भी लगेंगी, पर जहाँ अधिक जरूरत है, जहाँ बाढ़ आती है। और बहुत अहम यहाँ पर है कि अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की जब बात करते हैं, प्रोटोटाइप्स की हम बात करते हैं, उसमें समन्वय बिठाता हुआ ये बजट नजर आया, खासतौर पर फार्मा सेक्टर जो कि डिफेंसिव माना जाता है उसकी पीएस स्कीम्स के लिए। हमारे साथ आरिंद्र जुड़ गए हैं, पीछे हम देख सकते हैं ऑगमेंटेड के जरिए जाना चाहेंगे विभिन्न क्षेत्रों के बारे में। आरिंद्र, आपके पास चलते हैं सीधा। चलो, निश्चित तौर से अगर बजट 2024 की बात की जाए तो क्या कुछ आज बजट पिटारे से निकल के आया, क्या आया है तमाम लोगों के लिए, किन किन वर्गों में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें निकल के आई, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। बजट 2024 जिससे उम्मीदों का एक तरीके से बहुत कुछ लगा हुआ था, उसमें रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के तहत 3 योजनाएं घोषणा की गई है। रोजगार को लेकर अगर बात की जाए तो युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा वित्त मंत्री के पिटारे से निकलता नजर आएगा, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में किया है। ये साफ तौर से दिखाता है कि प्राथमिकता के आधार पर लड़कियां और महिलाएं नजर आ रही हैं, युवा भी नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 100 से अधिक शाखाओं को स्थापित करने की बात भी की गई है, यानी कि सुदूर इलाकों तक कैसे सरकार लोगों तक पहुंचेगी अपनी सेवाओं के साथ में, उन 100 शाखाओं के माध्यम से वो साफ तौर से दिखाई पड़ेगा। तो ये वित्त मंत्री के पिटारे से निकल के आया। जल्दी से हम तथ्यों को देखते हैं। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को किया जाएगा पूरा, जिस बात का जिक्र अभी हमारे सहयोगी कर रहे थे कि कैसे आंध्र की बात हो या फिर बिहार की बात हो, पूर्वी भारत में कैसे विकास को गति दी जाए, उस दिशा में ये काम करता नजर आएगा। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ये पिछली बार से काफी ज्यादा फंड है और अपने आप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल देता नजर आएगा, वहां पे डिमांड जनरेट करेगा और इस प्रकार की योजनाओं के साथ आगे बढ़ने की बात है। ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष 2.66 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया, और ये अपने आप में बताता है कि कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक सहायता संबल और योजनाओं के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश वित्त मंत्री करती नजर आ रही। नई योजनाओं के तहत एमएसएमई के लिए 100 करोड़ रुपए तक का लोन का प्रावधान किया गया, यानी इसको विस्तार देने की कोशिश की जा रही है, और एमएसएमई में सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन होता है, उस लिहाज से भी ये पैसा देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा, बल्कि रोजगार को और तेजी से आगे बढ़ाता नजर आएगा। तो ये एमएसएमई को जो सहयोग है सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था के पहियों को तेज गति से बढ़ाएगा। मुद्रा ऋण के तहत जो सीमा 10 लाख रुपए के ऋण की थी उसको 20 लाख यानी डबल कर दिया गया है। छोटे उद्योग करने वाले जो तमाम लोग हैं उनको अब ज्यादा प्रोत्साहन मिल सकेगा, 10 लाख की जगह 20 लाख तक के कारोबार को वो कर पाएंगे। इस दिशा में छोटे मोटे उद्योग के लिहाज से एक बड़ी राहत कही जा सकती है इस बजट में। 100 बड़े शहरों में साफ पानी और सैनिटेशन की योजना को लागू किया जाएगा, शहर हमारे स्मार्ट सिटी के तरीके से काम कर सके, वहां की व्यवस्थाएं बेहतर हो और हर लिहाज से साफ सुथरे शहर नजर आए, जो और लोगों को अट्रैक्टिव करते हुए नजर आ सकते हैं, यानी पर्यटन को बढ़ावा भी देंगे। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का प्रावधान एक बार फिर से बजट में हमने सुना है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर इस बात का जिक्र था लेकिन अब बजट में उस बात को कहा गया है। 2 करोड़ पहले, अब 3 करोड़ अब, यानी टोटल 5 करोड़ की बात की जा रही। 1 करोड़ शहरी गरीबों के लिए आवास को देने के लिए अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है, और कैसे इस लिहाज से बजट एलोकेशन भी किया गया है, गरीबों को उनके सर पे छत मिल सके। महिलाओं के लिए स्टैम्प
ड्यूटी में बदलाव किया गया है, यानी राहत दी गई है। अगर महिलाओं के नाम पे घर लिखा जाएगा तो स्टैंप ड्यूटी में राहत देकर महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश भी वित्त मंत्री के पिटारे से आज निकलती हुई नजर आ रही है। महंगाई को 4% तक लाने का प्रयास लगातार किया जाएगा। हालांकि हम जानते हैं 6% तक अपने आप में उसको नीचे रखना जरूरी होता है, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है कि इसको 4% के आसपास रखने की बात की जा रही है, ताकि जो खत्म महंगाई है वो चुनौती अपने आप में कम रहे। बजट में गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर फोकस कहीं ना कहीं साफ तौर से नजर आ रहा। तो ये अपने आप में तमाम बड़े प्रावधान है, इसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे। वापस चलते हैं अपनी सहयोगी आंचल और प्रखर के पास। टेक्नोलॉजी के जरिए आप तक पहुंचाया, टच स्क्रीन के माध्यम से, ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से, और हमारे साथ लगातार जो विशिष्ट मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, ज्योति जी जुड़ी हुई है। ज्योति जी, खास तौर पर क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कितना अहम कारक आप मानते हैं इस बजट में दृष्टव्य है, खास तौर पर कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें हम ड्रोन्स की तो बात कर ही रहे हैं, खास तौर पर DPI के जरिए उन तमाम फसलों का चयन करना जो कि मौसम अनुकूल तौर पर उगाई जाएंगी और किसान को और विकल्प देती हैं आने वाले समय में। सो डिजिटाइजेशन जो है एक थीम रहा है, आई थिंक 2014 ऑनवर्ड्स इस गवर्नमेंट ने डिजिटाइजेशन को काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किया है। UPI आई थिंक विश्व में हमारा सबसे एक बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो कहीं नहीं मिलता। फार्मिंग में यूज़ करने का हमारे साथ बहुत सारे स्टार्टअप्स जुड़े हैं जो AI यूज़ करते हैं, बट वो छोटे छोटे स्केल पे काम हो रहा था। आई थिंक गवर्नमेंट की इस प्रोत्साहन से ये सब बहुत बड़े स्केल पर आएगा और इसमें डेटा जो कैप्चरिंग होगा वो काफ़ी बेनिफिट करेगा। प्लस आई थिंक दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट लैंड टाइटल, सो लैंड टाइटल जो है वो अगर क्लियर हो जाता है, डेटा जो क्रॉप्स पे आ जाता है, इससे हमारे कई ज़्यादा इनोवेशन रिसर्च को आगे फायदा होगा। हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमारा कितना उत्पादन हो रहा है, हमारी कितनी नीड है, और ये दोनों चीजें जब मैच होती हैं तो ये बहुत ही पावरफुल डेटा पॉइंट है जो हमको चाहिए हर क्रॉप वाइज, हर रीजन वाइज, एंड इसको कैसे मैच करें और फिर हम जाने कि कहाँ हमारी कमी है, किस कमी को हमें कब पूरा करना है, ताकि हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग हो। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज, ये जो फार्म स्टैक की बात कर रहे हैं, दिस फार्म स्टैक विल हेल्प the government as well as the farmers and help them enhance their income, और काफ़ी बचत भी रहेगी government के उस पर, क्योंकि last minute जो exports imports होते हैं उसमें हम जो price negotiation नहीं कर पाते हैं, उस negotiation में भी क्योंकि अगर हमारे पास समय रहते हम इस पर काम करें तो हमको जो है दाम भी ठीक मिल सकते हैं, एंड धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ जाएंगे जब हमें पता चलेगा कि किन क्रॉप्स पर हमको फोकस करना है। राजीव डिमरी जी, इस बजट में एक खास बात और भी आई कि बाढ़ को लेकर चर्चा की गई, बाढ़ पर फोकस किया गया, क्योंकि बाढ़ के लिए एक फंड भी बनाया गया। और ये सब हम जानते हैं कि जब इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़ जैसी घटनाएं होती हैं, तो बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को देखा कि बाढ़ की वजह से जो उधर वहाँ की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी, तो आज ये स्थिति हो गई कि हम देखते हैं वहाँ से किस तरह की तस्वीरें आती हैं। तो ये कितना बड़ा इनिशिएटिव है कि जिस तरह से प्राकृतिक आपदाओं, खासकर बाढ़ को रोकने के लिए अलग से फंड बनाना। हर प्राकृतिक आपदा को तो नहीं एंटिसिपेट कर सकते, लेकिन जो बजट में बात हुई कि जो चीजें रिकरिंग हो रही है, जो हमें पता है कि हर मौसम में होती है, उसके बारे में अगर हम प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं लेंगे, ओनली रिएक्टिव रहेंगे, तो देश की उन्नति, प्रगति और जो उस इलाकों की जो इकोनॉमी है वो बार बार ही डिस्ट्रॉय होती है। इसलिए ये एक प्रोएक्टिव स्टेप है जो उन्होंने 2-3 एरियाज की बात करी है, वहां पर हम हर साल देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उसका सोर्स किसी दूसरे देश में है, इसलिए हमारा कंट्रोल एट सोर्स कम है। उन्होंने उत्तराखंड की भी बात करी जहाँ पर कई आपदा आई और काफी डिस्ट्रक्शन हुआ, कई लोगों की प्रॉपर्टी गई, जाने गई। इसलिए ये प्रोएक्टिव मेजर करने पड़ेंगे कि इफ इट्स अ रिकरिंग प्रॉब्लम देन वी हैव टू डील ऑन अ प्रोएक्टिव बेसिस। तो मैं बहुत इसका वेलकम करता हूँ। आई एम श्योर कि इसका इम्पैक्ट एक साल में नहीं होगा, इन चीजों को करते करते भी टाइम लगेगा, और ये इस साल शुरुआत करिए, इसमें हर साल बढ़ोतरी करनी होगी, लेकिन ये प्रोएक्टिव मेजर है और ये बहुत ही सराहनीय मेजर है। हर्षी, क्योंकि अगर हम पूरे सोशल सेक्टर को देखें, जिसमें मध्यम वर्ग का इसमें जिक्र है, युवाओं का है, महिलाओं का है, सोशल सेक्टर के लिहाज से इस बार का ये जो बजट है अपने आप में आशावान है और बहुत सकारात्मक पहल को साथ लेकर चलता है। ख़ास तौर पर अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, जिसमें सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी का भी यहाँ पर जो सीमा शुल्क है उसमें तब्दीली लाई गई है,
फोकस साफ तौर पर खास तौर पर उन लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को लेकर जो कहीं ना कहीं किसी भी देश की आर्थिक प्रगति को रोकने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर तमाम कदम उठाते हुए सरकार नजर आई। ये बिल्कुल सही बात है, अगर हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो हमें अपने देशवासियों की हेल्थ का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। हेल्दी इंडिया इज ओनली दैट कैन बिकम अ 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। और इसके चलते हमें ये भी दिखा इस बजट में कि एक बात हम जानते हैं कि जो हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, उसके सोल्यूशन हमें ही ढूंढने हैं, उसके सोल्यूशन हमारे स्टार्टअप, हमारे इनोवेटर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स उसको ढूंढेंगे। और इसके चलते जो एंजल टैक्स इन्होंने अबॉलिश किया, जो स्किलिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक फोकस है, तो वो हेल्थ केयर को भी बहुत इम्पैक्ट करेगा। और तीसरी बात रही जो कि एम्प्लॉयज़ हैं उनको पहली तनख्वाह जो है वो गवर्नमेंट देगी, और जो एम्प्लॉयर है जो नए फैक्ट्री या नया सेंटर लगाते हैं उनको भी मदद मिलेगी। जो फोकस आया मेडिकल कॉलेजेस पे, जो फोकस आया 20 लाख तक ऋण मिल सकता है बहुत ही कम परसेंट पे स्टूडेंट्स को, इन सब को हमें आगे चल के, हमारी शॉर्टेज है स्किल्ड मैन पावर की हमारे देश में, और ये उसके लिए मुझे लगता है ये एक रोड मैप तैयार किया है जो सिर्फ अगले साल के लिए नहीं है पर ये अगले 4-5 साल दर्शाता है कि ये डायरेक्शन गवर्नमेंट ने लेनी है। और जो इंसेंटिवाइजेशन हो रहा है उसके चलते पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों पास में आएंगे, जुड़ के लगन से काम करेंगे, और मुझे लगता है ये एक बहुत ही फोकस्ड तरीके से छोटी छोटी चीज़ को समझ के और उसको एक सोल्यूशन देने की कोशिश है। ज्योति जी, जो बात की अभी हर्ष जी ने, और मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊं कि जो मुद्रा लोन की बात जो है वो पहले 10 लाख रुपए तक था, अब 20 लाख रुपए मिल जाएगा, तो ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? मुद्रा लोन एक बहुत सक्सेसफुल स्कीम रही है इस गवर्नमेंट की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को काफी बूस्ट मिला है इसके अंदर। सो ऑब्वियसली 10 लाख एक टिकट साइज अपने डबल कर दिया, तो वो उतना सपोर्ट मिलेगा सेल्फ एम्प्लॉयर को। तो इस स्कीम को मतलब आप अगर दुगुना करके देखें तो उतना ही बूस्ट मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक जगह है पर हमें बहुत ज़रूरत है इस देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट देने की, क्योंकि जितना हमारा यूथ है उसको बहुत सपोर्ट चाहिए, यूथ है, विमेन है, और इसके अंदर काफ़ी पिछड़े वर्ग के लोग भी इसमें मुद्रा लोन का हेल्प ले सकते हैं। सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प गिव अ लॉट ऑफ बूस्ट टू द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विच इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर दिस कंट्री। रिमी साहब, क्योंकि हम कोलैटरल की बात करते हैं और इस पर एमएसएमई को इससे छुटकारा मिलता हुआ नज़र आया कि भाई कोलैटरल फ्री जो गारंटी योजना है खासतौर पर उस पर फोकस नज़र आया, और जब हम असंगठित क्षेत्र के लिहाज से बात करते हैं, हालांकि ये भी एक मांग थी एमएसएमई की भाई हमें पीएलआई स्कीम से जोड़ा जाए, उस लिहाज से जीडीपी में बढ़ोतरी को देखते हुए एमएसएमई के लिए इस बार का बजट अपने आप में बेहद सकारात्मक। बजट में सबसे एक तो एम्प्लॉयमेंट की हमने काफी बात करी है, दूसरा फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड पर्टिकुलरली एमएसएमई में जो फोकस दिया गया है इस बजट में वो बहुत ही सराहनीय है। और आप दुनिया की और बड़ी इकोनॉमीज को देखेंगे तो ऑफकोर्स उनके पास बड़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन एक लार्ज कम्युनिटी होती है एमएसएमई की जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी होती है, और वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, वो भी वैल्यू एड करते हैं, इसलिए उनका होना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त कई चीज़ें देखें तो उन लोगों की लोन लेने की कैपेसिटी, जो उनके पास इतने कोलैटरल नहीं होते उनको, वो जिसको गिरवी रख के वो सामान खरीद सके, देयरफॉर कैपिटल कैसे लाए, इसलिए जो ये कोलैटरल फ्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको लोन लेने के लिए, कैपिटल मशीनरी ऐड करने के लिए, कुछ मैं रिसर्च देख रहा था कि अगर आज आपको गाड़ी लेनी है 50 लाख की, 1 करोड़ रुपए की, दसियों बैंक आपको गाड़ी खरीदने के लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वही आप
कोई मशीनरी खरीदने के लिए तैयार है तो शायद बहुत कम बैंक है और उनकी कंडीशंस बहुत ज्यादा है, तो कंज्यूमर लोन आराम से मिल जाता है और टर्म लोन आराम से नहीं मिलता है। इसलिए जो जो फोकस करा गया है कि जो एमएसएमई है जो एक बैकबोन बन सकते हैं देश की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के लिए, उनको अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस फॉर लोन फॉर एडिंग प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट एक बहुत बड़ी पहल हो सकती है और मेरा ये उम्मीद है कि इससे काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जितना हम कैपिटल ऐड करेंगे उतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, उतना ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी उतने रोजगार बढ़ेंगे। हर्ष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बड़ी जब चर्चा होती है तो बजट में यही कहा जाता है कि डिफेंस में इतना बजट खर्च हो जाता है, बाकी जगहों पे बजट खर्च हो जाता है, लेकिन इस बार के अगर बजट को देखें तो एजुकेशन में भी अच्छा खासा बजट खर्च किया गया और पिछले साल की तुलना में ये 32% ज़्यादा इसको माना जा रहा है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही अहम है, ज़रूरी है और इस गवर्नमेंट का फोकस रहा है एजुकेशन और हेल्थ केयर। ये तो हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं। एजुकेशन में सही तरीके से अगर पैसा लगेगा तो और अपग्रेड होंगे हमारे इंस्टीट्यूशंस जो प्रेजेंट हैं और नए खुलेंगे, और एक इसमें मेन मुद्दा ये भी है कि इसको हमें सिर्फ मेट्रोज या बड़ी बड़े शहरों में ही सीमित नहीं रखना, इसको हमें पेरिफ्री में ले जाना है, रूरल एरियाज में ले जाना है, ताकि अपने घर में रहते हुए ही बच्चे स्कूल कॉलेज अटेंड कर सके, उन्हें 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर हॉस्टल, ये बहुत दुविधा होती है। तो जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इस सेक्टर में उतना ही हमें कुछ वर्षों में इसका फल मिलेगा। फिर हमें और टीचर भी बनाने हैं, हमें और नौकरियां भी कई वर्ग के लोगों को मिलेंगी जैसे जैसे नए स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। बिल्कुल, और जब हम आधी आबादी की बात करते हैं ज्योति जी, वुमेन लेड डेवलपमेंट, उसकी भी छाप इस बजट में साफ तौर पर नज़र आई। जिस तरह से ख़ास तौर पर जो ट्राइबल सेक्टर है उसके लिए जो योजना चलाई गई है और महिलाओं के लिए जो हॉस्टल का प्रावधान इस बजट में उसकी अनाउंसमेंट हुई, कितना बड़ा जो वर्कफोर्स की जब हम बात करते हैं महिलाओं का कॉरपोरेट सेक्टर में, उसको इतना बड़ा एम्पिटस मिलता हुआ नज़र आएगा इस तरह के प्रावधान से। वुमन लेड डेवलपमेंट आई थिंक इस गवर्नमेंट ने प्रूव किया है कि सिर्फ ये बातचीत का नहीं है, सो दे आर एक्चुअली वॉकिंग द टॉक इन दिस 3 लाख करोड़ इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट दैट हैज बीन एलोकेटेड टू वुमन लेड डेवलपमेंट। उसमें स्किलिंग से लेकर यू नो हॉस्टल से लेकर जितने भी इवन केयर सेंटर्स की बात करी गई, तो जितने भी आस्पेक्ट्स हैं उनका आस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। पिकी में हमारे 4 प्रायोरिटी एरियाज हैं इस साल के जो हमारे प्रेसिडेंट ने चूज किए, जिसमें मेक इन इंडिया, वुमेन लेड डेवलपमेंट, फार्म प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी है। वुमेन लेड डेवलपमेंट में हमने यही एक गैप देखा है कि एक तो स्किलिंग, जॉब स्किलिंग हमें टफ एरियाज में होनी चाहिए, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम स्किलिंग होती है, तो उसमें अगर जिस तरह के प्रावधान करे गए हैं, वुमेन हॉस्टल उसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि अगर वुमेन कहीं आती हैं पहले तो ट्रेनिंग करने के लिए, उसके बाद अगर शॉप फ्लोर में या फैक्ट्री में कहीं काम करना है तो वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां वो सेफ्टी हो उनकी, और अगर वो घर से भी काम करती हैं तो अगर जिस महिला के पास कोई जिसको केयर चाहिए अपने बच्चों के लिए या केयर चाहिए अपने सीनियर सिटीजन है घर में उनके लिए, तो ये केयर इकोसिस्टम, स्किलिंग और ये वुमेन हॉस्टल, ये जो 3 पीसेज हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि वुमेन को एक यू नो इम्पेटस देते हैं कि वो जाके बाहर काम कर सके, पर्टिकुलरली इन द जब हम स्किल की बात करते हैं तो टफर एरियाज में फैक्ट्री में काम करते हैं तो यू नो जरूरी है, जरूरत है वुमेन हॉस्टल की, या बच्चों को छोड़ के आना है तो एक अच्छे क्वालिटी केयर सेंटर की। तो ये जो 3 है ये बहुत बड़े गैप है जो हमने आइडेंटिफाई भी किए थे अपने स्टडीज में, और बहुत अच्छा लगा जब हमने देखा कि सरकार इन्हीं 3 पे फोकस करके काम चल रही है। तो जो मैंने पहले भी कहा, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो वुमेन है, चाहे वो यूथ है, इस बार सरकार ने टारगेट किए हैं एरियाज कि ये 1-2-3 एरियाज में अगर हम काम करेंगे तो इससे जो है ये रास्ता हमारा खुलेगा इस तरफ की डेवलपमेंट में जाने के लिए जो उन्होंने रिजॉल्व करी है। ठीक, राजीव डिमरी साहब, जब भी बजट आने वाला होता है तो जो मिडिल क्लास होता है उसकी जो नज़र होती है वो होती है टैक्स पर, इनकम टैक्स पर उसकी सबसे ज़्यादा नज़र होती है, और वो इंतज़ार करता है कि इस बार कम होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा।
इस बार जो किया गया है टैक्स स्लैब में जो चेंजेस किए गए हैं और माना जा रहा है कि करीब करीब 17,500 रुपए बचेंगे एक इनकम टैक्स पे ही के, तो ये 4 लाख टैक्स पेयर के लिए कितनी बड़ी सौगात है या लगता है कि इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता था, आपको क्या लगता है इसे लेकर? की बात सही है कि हर बजट में एक तबका होता है जो देखता है कि क्या रिलीफ मिलेगा, और इस वक्त जैसे आपने खुद बोला कि ये बहुत बड़ा तबका है जिसको इम्पैक्ट करेगा। अगर आप पूछेंगे कि क्या इससे ज्यादा हो सकता था, ऑब्वियसली एक बैलेंस है कि सरकार जितना कंसेशन दे रही है उतना कम टैक्स करेगी। 17,500 सबको मिला है, उससे कुछ ना कुछ तो खुशी सबको ही होगी। ये एक फाइन बैलेंस है। मैं ये बजट से भी पहले कह रहा था कि अगर हम पिछले 2 साल की टैक्स कलेक्शन देखें, लगातार बढ़ती रही है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में, और इस तरह से जो टैक्स कलेक्शन बढ़ी है सरकार को कुछ टैक्स पेयर्स को रिवॉर्ड करना चाहिए था और उन्होंने करा है। ऑब्वियसली एक स्कीम जो बन रही है, जैसे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा भी कि जो नई स्कीम है इंडिविजुअल्स की, करीब करीब 60% लोगों ने वो स्कीम को यूज कराया है। उस स्कीम का बेसिक प्रेमाइस यही है कि कंसेशंस नहीं होंगे, टैक्स रेट्स कम हो जाएंगे। ये एक कंटिन्यूस स्टेप है, एक साल में बहुत बड़ा धमाका नहीं होगा, हर साल थोड़ा थोड़ा होगा, अल्टीमेटली गेट टू अ पॉइंट कि रेट्स कम होते जाए और कंसेशंस खत्म होते जाए, जिससे कि लोगों को बहुत सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम मिलेगा। अब आपने देखा कि उन्होंने कई सारे स्लैब्स में कुछ चेंजेस करे हैं, अगर उसका नतीजा अच्छा निकला और सरकार की फिर भी टैक्स कलेक्शन बढ़ी, मेरे ख्याल से सरकार को भी इनकरेजमेंट मिलेगा कि कुछ और करने का। मेरे को लगता है कि इसमें छोटे छोटे कदम ज्यादा जरूरी होते हैं, ना कि एक बहुत बड़ा कदम एक साल लो फिर कुछ नहीं करो, वो थोड़ा इराटिक होता है। छोटे छोटे कदम कंटिन्यूस प्रोग्रेस इन द सेम डायरेक्शन प्रोवाइड्स मोस्ट सर्टेनिटी एंड कंटिन्यूटी, वो ज्यादा ऑन अ लॉन्ग टर्म वो ज्यादा अच्छी स्कीम है। बिल्कुल, और ये जो कंटिन्यूटी है वो सरकार की साफ तौर पर इस बजट में नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप इस शो पर आए और इस खास चर्चा का हिस्सा बने और अपने विचारों को इस मंच से साझा किया। तो खास तौर पर विकसित भारत 2047 के इस लक्ष्य को दिखाता हुआ बजट 2024 और लगातार ये खास पेशकश रहेगी जारी। और फिलहाल मुझे और प्रखर को दीजिए इजाजत, नमस्कार। Yeah.